मिरकल्स हैपन, लेट्स सी इन दिस वीडियो इट इज़ ट्रू और नॉट। अभी जो पॉन्ड्स की फेस वॉश है उसका मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ और बहुत जोरों शोर से कियारा आडवाणी इसका ऐड कर रहे हैं और जो टैग लाइन है वो है मिरकल्स हैपन, दैट मीन्स जो फेस वॉश है अकॉर्डिंग टू देम बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। सो लेट्स सी ये कितना वर्क किया मेरे पर और वॉट इज़ द इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस फेस वॉश, लेट्स स्टार्ट। तो ये है गाइज पॉन्ड्स की स्किन इंस्टीट्यूट सन मिरकल नियासनामाइड प्लस वाइटामिन सी डी टैन फेस वॉश रिड्यूसेस टैन इन वन वीक, ठीक है। सो लेट्स सी कितना प्राइस का है ये, 225 मतलब 225 रुपये का इसका जो प्राइस है वो है और क्वांटिटी इसमें मिल जाती है आपको 100 ग्राम। तो क्वांटिटी विथ प्राइस तो ठीक है बट लेट्स सी इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विथ विटामिन सी एंड नियासनामाइड, इट इज़ क्लिनिकली प्रूवन टू रिड्यूस टैन इन जस्ट वन वीक, रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, ठीक है। तो हाउ टू यूज़ में आप देख सकते हो फेस वॉश जनरली सब जानते हैं कैसे यूज़ होता है और यहाँ आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट जो है वो पूरी तरीके से लैब बेस्ड है। मैस्ट्रिक एसिड है, ग्लिसरीन है और उसके बाद वाटर है, फ्रेग्रेंस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सैट्रिक एसिड है, ल्यूरिक एसिड है इसमें, इस तरीके से आप देख सकते हो जितने भी एसिड वगैरह हैं वो मिक्स करके बनाया गया है ये पूरा जो फेस वॉश है वो। मुझे लगता है फेस वॉश में भी यहाँ मेंशन करना चाहिए कि कौन सी जो इंग्रेडिएंट है वो कितने परसेंट इसमें ऐड किया हुआ है। लाइक मान लो इसमें नियासनामाइड दिया हुआ है और नियासनामाइड आपको 0.1% दिया हुआ, तो इस नियासनामाइड का टॉप पर लिखने का क्या ही फ़ायदा होता है अगर आपको ये नियासनामाइड बहुत अच्छे तरीके से इसमें फेस वॉश में अगर क्वांटिटी में नहीं दे रहे हैं तो। तो एज़ वेल जो मेरा इसका रिव्यू है वो अच्छा नहीं है, लाइक मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नियासनामाइड जो है वो पॉन्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ विटामिन सी। सो इसलिए शायद मुझे इसका कोई भी जो इफेक्ट है वो नहीं देखा आफ्टर ये D10 वाली जो बात है वो, अगर आप D10 वाली कोई भी चीज़ अगर फेस पर लगाते हो वन टाइम में ही वो आपको विजुअल रिजल्ट देती है, बट इसके साथ वन वीक में भी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया तो टोटली मैं इसको डिनाई करूँगी। तो अभी जो फेस वॉश है मैंने इसको 15 डेज से यूज़ कर लिया है, ठीक है, और ड्यूरिंग दिस प्रोडक्ट आई हैवंट यूज़ एनी काइंड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। सो थोड़ा सा भी इसको मैं पानी में मिक्स करके और उसके बाद अप्लाई करूँगी। इस तरीके से देख सकते हो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स अगर दिख रहे होंगे तो वो हैं इस फेस वॉश में भी नहीं दिख रहे, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं रेड कलर के वो आपको दिखेंगे इसमें और एक जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, स्क्रब का भी काम कर जाएगा ये। तो बस उतनी सी फेस वॉश और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया जो झाग है वो खुल करके आया है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है सो ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लेकिन ड्राई वाले को मैं बोलूँगी अवॉइड ही करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैटिफाई कर देती है आपकी स्किन। तो इसको मैं ऑल ओवर जो हैंड है उस पर भी लगा लूँगी। सो काफ़ी मात्रा में ये जो झाग है आपको देता है कम क्वांटिटी में, तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी और ड्राई वाले इससे दूर रहेंगे क्योंकि जो आपकी स्किन है इसको ब्रेकआउट कर सकता है। लाइक मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है और इसको लगाने के बाद एकदम से मैटिफाई हो जाती है और इसकी एक अच्छी बात ये लगी मुझे क्योंकि इसको वॉश करने के बाद तुरंत से ये जो है वो वॉश आउट हो जाती है। लाइक जो कुछ फेस वॉश होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जल्दी जो है वो उसके झाग जाते ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर यूज़ करना पड़ता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, बस लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड इट विल गो। सो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी और इस तरीके से देख सकते हो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और चलिए इसको मैं अभी पानी से वॉश करके आती हूँ देन आपके से। सो फेस जो है मैंने वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा जो फेस है काफ़ी मैट हो गया है, बहुत ज़्यादा मैट कर देता है ये। मेरी तो स्किन ऑयली है बट स्टिल मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैट पसंद नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी मॉइस्चर जो है वो ये नेचुरल सी चीज़ है हमारी स्किन की जो ज़रूर से रहनी चाहिए किसी भी फेस वॉश में। सो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और अगर बात करूँ वर्क की कि आपके जो फेस है उसको ये थोड़ा सा लाइटर प्रोवाइड करता है कि नहीं, सो आई विल से बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने इसको 15 डेज में लगाया है, इससे तो अच्छे जो कम ब्रांड के मतलब थोड़े से लो बजट वाले जो फेस वॉश होते हैं वो ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। लाइक कुछ फेस जो है वो आपकी क्लीन हो जाती है उनसे, बट इससे मुझे 0% जो है रिज़ल्ट वो मिला
मुझे लगा कि पॉन्ड्स है तो कुछ तो होगा ही, बट नो, 15 डेज लगाने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। माई रिकमेंडेशन इज दैट कि आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू बाई इट फेस वॉश। इसे कम रेंज में आप बहुत अच्छे जो फेस वॉश है उसको बाय कर सकते हो। मेरी वीडियो देखिए, बहुत सारे जो फेस वॉश हैं उस पर मैंने रिव्यू जो है वो किए हुए हैं, ठीक है। सो ये रहा गाइज मेरा आज का वीडियो, इट्स पॉन्ड्स फेस वॉश पर कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। बहुत ही रॉ तरीके से मैं जो वीडियो है वो बनाना प्रिफर करती हूँ, लाइक कोई झूठ वगैरह नहीं और कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं। सो होप जो मेरी वीडियोज हैं वो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए ख्याल, बाय बाय।